हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। मैं आज आपको सबसे पहली अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एक डेल के मॉनिटर की, जिसका मॉडल नंबर है P2419H। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डेल का मॉनिटर मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसका मॉडल नंबर है P2419H। पी का मतलब हुआ प्रोफेशनल, 24 का मतलब है 24 इंच, 19 का मतलब हो गया 2019 में ये बना है, एच का मतलब हो गया फुल HD। तो इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप देखिए, तो इसमें ये देख सकते हैं आप, ये एक मैनुअल है कि हमें कैसे फिट करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। हम साइड में रख देते हैं। और ये इसका बिल है, ये देख सकते हैं, 12,000 रुपये का अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है। 12,000 का बिल है। ये भी यूज़र मैनुअल है इसका, कुछ तो चाइनीज़ भाषा में लिखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, सॉरी इंग्लिश भाषा में भी होगा इसमें। ये इसका स्टैंड है, नीचे का बेस है, सॉरी ये बेस है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है, सिल्वर का ये है और बहुत वेटेड है, क्वालिटी सॉलिड क्वालिटी में, प्लास्टिक से है ऊपर और नीचे इसमें एल्यूमिनियम है, जो बहुत ही हार्ड है। ये इसका स्टैंड है और यही बात देखने की है कि इसमें इसका स्टैंड बहुत सॉलिड है और उसको ये हर जगह स्टेबल एस्टेड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रू है, इसको हम इसका टाइट करेंगे। ये टाइट हो गया, ये डिस्प्ले पोर्ट केबल है, सॉरी ये डिस्प्ले पोर्ट है। ये 3.0 की USB केबल है इसमें, इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। ये इसकी केबल है, पावर केबल ये है, HDMI केबल इसमें मिलती नहीं है, HDMI केबल नहीं है इसमें, वो अलग से आपको परचेज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप, ये इसका डिस्प्ले है, ये इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले मैं ऐसे रखते हैं। तो देखिए इसका स्टैंड, एक चीज दिखाते हैं आपको, ये इसका पावर कोर्ट है, पावर कोर्ट लगाने का, और ये है HDMI लगाने का, और एक है डिस्प्ले पोर्ट, एक है VGA पोर्ट, और ये है इसमें 3.0 जो USB इसमें दे रखी है, आपको डायरेक्टली कंप्यूटर में ही लगाने, सॉरी CPU में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉनिटर में भी अपने USB या कोई डोंगल वगैरह लगा सकते हैं। और इसमें 3.0 के साइड में ही दे रखे हैं, दो पोर्ट 3.0 के हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। और ये इसकी लॉक है, स्टैंड लगाने के बाद ये इसी लॉक में फंस जाएगा स्टैंड, ये आप देख सकते हैं। ये लग चुका है, ये देख सकते हैं, ये मॉनिटर है। और इसको दिखाते हैं हम, इसमें ये और ज़ीरो बजल्स में है, नीचे थोड़ा बजल्स है जहाँ पर डेल का लोगो है इसमें। इसको अभी हम अपने CPU में भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे। और एक खासियत और है इसकी, वो अभी दिखाते हैं हम आपको। इस सुराग को दे रखा है इसमें, इसके स्टैंड में, यहाँ से आप केबल डाल के यहाँ पर लगा सकते हैं।
डिस्प्ले पोर्ट लगा दिए, मेरे सीपीयू में डिस्प्ले पोर्ट लगाने का है इसलिए मैं इसमें डिस्प्ले पोर्ट लगा रहा हूँ, सॉरी डिस्प्ले के भी लगा रहा हूँ। आपका HDMI हो तो HDMI लगा सकते हैं, VGA लगाने का है तो VGA लगा सकते हैं। यह 3.0 के लिए केबल लगाने के लिए, इसी में आप USB लगा सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर दिया, ये पावर केबल का हम यहाँ से लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए डेल 24 मॉनिटर नो DP सिग्नल फ्रॉम योर डिवाइस। अभी अब मैं इसमें सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल मांग रहा है मॉनिटर। अब मैं इसको सिग्नल लेता हूँ, CPU ऑन करता हूँ। CPU ऑन हो गया है, इसमें सिग्नल आ गया है। ये देख सकते हैं कि आप ये ऑन हो गया। कलर बहुत ही प्यारा कलर है इसका, शार्पनेस बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया कलर है इसमें। दूसरा है कि अभी हम कोई वीडियो चला के इसमें दिखाते हैं आपको, कोई HD सॉफ्टवेयर चलाते हैं। ये वीडियो परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, साफ नाज कलर बहुत परफेक्ट कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैनल IPS पैनल का है, इसमें किसी भी एंगल से देख सकते हैं। देखो इसका कलर में कोई भी खराबी नहीं होगी, चाहे ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देखिए, कलर बिल्कुल सही आएंगे इसके। सॉरी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसको हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ, लेफ्ट राइट। तो भैया आप एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें कि इसको हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये लेफ्ट राइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ऊपर नीचे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं एडजस्ट, और इस तरीके से एडजस्ट हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि कैसे लगी आपको ये। स्टॉप।